हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। तो ये देखिए, पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका जो बाहरी जो गंदा सा पत्ता था उसे मैंने हटा दिया है। और अब हम इसको करेंगे क्रश, ग्रेट करेंगे। यानी कि आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या तो इसे आप क्रश भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे कैबेज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला, अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 से 2 चम्मच है, ये कलर के लिए है। आधा चम्मच काली मिर्च, ये देखिए इसमें लगेगा 1.5 से 2 चम्मच। इसमें है कॉर्नफ्लोर और ये 3 चम्मच लिया है मैंने मैदा। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 2-3 चम्मच मैंने इसमें डाला है मैदा और 2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर। और इसको अब हम मिला लेते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट होगी फिर इसमें हम इसको और डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है मैदा और अरारोट, हमें इसकी बस बाइंडिंग करनी है। ये देखिए, कोफ्ते का बैटर बिल्कुल मटेरियल तैयार है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बन के तैयार है, ये देखिए। और आप जितना साइज रखना चाहते हैं इसका, उसके हिसाब से इसके इस तरह से हमें बॉल तैयार करने हैं। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था और अब हम इसमें एक एक करके इस तरह से बॉल्स डालते जाएंगे। ये देखिए, इसे अब हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इसे हमें इस तरह से उलट पलट के अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो चलिए सेकंड शिफ्ट भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे इसको कोफ्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया है और 2-3 मिनट इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे फिर से री फ्राई करेंगे। अब ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको हाई फ्लेम पे हम री फ्राई कर लेते हैं। देखिए, तेल गरम है और हम इसको डालेंगे इस तरह से और फटाफट से इस तरह से इसको हिलाते हुए। चलिए बस अब हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी वेजीज चाहिए।
तो इसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च है जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे मैंने पतले पतले कट कर लिया है, और एक प्याज जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, और दो हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, और दो हरी मिर्चों को मैंने, दो से तीन मिर्चों को मैंने इस तरह से लंबे लंबे मैंने स्लिट कर ली हैं, और ये है आपका अनियन रिंग, और ये है लहसुन, यानी कि इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये चाहिए, और थोड़ा सा टुकड़ा जो है मैंने लिया है अदरक का, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने डाल दिया तेल, तेल गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए लहसुन, हमें इसे बस हल्का सा ही भूनना है, और इन सारी चीजों को हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके साथ इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक, अदरक को भी हमने ना हल्का सा ही भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई मिर्चें, मिर्चें थोड़ी सी पक जाएं फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट होने तक ही पकाना है। ये देखिए अब हम इस टाइम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च, और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। चलिए अब हम इस टाइम डालेंगे ये अनियन, इसको भी हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। फिर अब हम डालेंगे इसमें सॉसेस। चलिए अब हम इसमें डालते हैं ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये, और 1 बड़ा चम्मच लिया मैंने रेड चिली सॉस। हम अच्छे से इसमें भून लेंगे, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच टमाटो सॉस, इसे भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे, और ये देखिए ये मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम पानी डाल के इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी, ये देखिए इसमें मैंने लगभग 1 कप पानी डाला है। और इस टाइम अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने स्लरी तैयार किया है वो डालते जाएंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, और इस
इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक। नमक हम ठीक ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। और बस इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं अपने ये बॉल्स। हमारे मंचूरियन बनके तैयार है। हाँ जी, ये देखिए हमारे मंचूरियन बिल्कुल बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मंचूरियन बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।